हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर IAS एकेडमी एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर विल टॉक अगेन डिस्कस योर इंडियन ज्योग्राफी। सो फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, आपका जो कल का लेक्चर हुआ था, द लेक्चर आई टेकन यस्टरडे, सो उसमें कुछ थोड़ा सा आपका क्या हो रहा है, वीडियोज़ में थोड़ी सी फाइल करप्ट हो गई थी। सो वीडियो फाइल वहाँ पर थोड़ी सी करप्ट हो गई थी, जिसके कारण आपको रिकॉर्डेड वीडियो जो आप उसको देखेंगे तो आपका जो 58 मिनट है, ठीक है, ये जो आपका 58 मिनट होगा वीडियोज़ का, उसके बाद से आपका सीधा क्या होगा, वीडियोज़ का एंड स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर आपको एक मैप दिख रहा होगा बड़ा सा, आई एम डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर मैप, ठीक है। तो इसके बीच का लगभग आपका 30-35 मिनट्स का वीडियो जो था वो फाइल वहाँ पर करप्ट हो गया था YouTube में प्रोसेसिंग के टाइम्स पे, जिसके कारण आपका पूरा का पूरा फॉर्मेशन ऑफ इंडिया कंप्लीट नहीं हो पाया है। और मे बी इन दिस पर्टिकुलर 58 मिनट मैं कहीं पर आपका कोल फील्ड एक्सप्लेन कर रहा था आपको, एंड कोल फील्ड के आगे का पूरा रह गया था, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर फर्स्ट विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर थिंग अगेन, जहाँ पर मैं फिर से आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको देखेंगे, एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे का हिमालय सेक्शन को देखेंगे। तो आप 58 मिनट के बाद से क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, एंड उसके बाद क्या करेंगे, आगे का लेक्चर चालू करेगा, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हम लोग कल थोड़ा सा जो आपका वीडियो करप्ट हो गया, सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कल के लेक्चर में जो भी हमने आपका पढ़ा था, ठीक है। तो यस्टरडे का एक क्विक ब्रीफ करते हैं, यहाँ पर जल्दी से देख लेंगे किस तरह से पढ़ा थे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर रॉक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपसे सबसे पहले इस रॉक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई थी कि ये रॉक कौन कौन से हैं, किस तरह से रॉक्स बने हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक्ड अबाउट द आर्कियन रॉक, वी हैव दिस पर्टिकुलर आर्कियन रॉक, अबव आर्कियन वी हैव धारवाड़, वी हैव धारवाड़ रॉक, अबव धारवाड़ वी हैव कडप्पा रॉक, ओके, अबव कडप्पा वी हैव विंध्यन रॉक्स एंड अबव विंध्यन वी हैव योर गोंडवाना रॉक्स, एंड अबव गोंडवाना वी हैव डेकन ट्रैप, एंड अबव डेकन ट्रैप वी हैव योर टर्शरी रॉक एंड अबव टर्शरी वी हैव प्लिस्टोसीन रॉक। एंड टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रॉक, आई हैव एक्सप्लेन यू पर्टिकुलरली कि किस तरह से आपका इंडिया का जो कम्प्लीटली ज्योग्राफी है, द हिस्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर ज्योग्राफी और द हिस्ट्री ऑफ द पर्टिकुलर डिवीजन फॉर्मेशन, किस तरह से इंडिया का वेरियस फिजिकल डिविजन्स बने हैं, उसके हम लोग एक क्विक ब्रीफ कर रहे थे, ठीक है, उसको हम समझ रहे थे कि किस तरह से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक्ड अबाउट कि इन यहाँ से सबसे पहले वी हैव सीन कि आपका क्या था, दिस इज पर्टिकुलर अर्थ, यहाँ पर हमने देखा था कि दिस पर्टिकुलर पेंजिया सब इन द सेकेंड पार्ट आफ्टर रोडिनिया वी हैव द पेंजिया, सो पेंजिया गॉट ब्रोकन अप एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेंजिया यहाँ से आपका क्या निकला था, दिस पर्टिकुलर इज योर इंडिया, ठीक है। एंड इन दिस पर्टिकुलर इंडिया यस्टरडे हमने ये सब देख चुका है, ठीक है, 58 मिनट्स तक, तो आप उसको एक बार वहाँ से भी रिव्यू कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। तो इनिशियली व्हाट वी गेट समथिंग लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग, ये कुछ था, ठीक है। एंड इन दिस पर्टिकुलर वी हैव योर अरावली फॉर्मेशन, अरावली माउंटेन फॉर्मेशन एंड द ईस्टर्न घाट फॉर्मेशन, सो वी हैव सीन द वेरियस माउंटेन्स, कौन कौन से माउंटेन्स हम देख चुके थे, आपके अरावलीज माउंटेन, वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ अरावलीज, वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ओके। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर टू माउंटेन्स अंडर योर आर्कियन एंड योर धारवाड़ फॉर्मेशन, ठीक है, कि आपका ये जो पर्टिकुलरली धारवाड़ है, ये जो आपका सिंहभूम प्लेट्यू है, दिस इज योर अरावलीज प्रोटो कॉन्टिनेंट। तो ये सारे के सारे पे किस तरह से ऑल द पर्टिकुलर डिवीजन गेट फॉर्म्ड, ऑल द वेरियस फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग ओनली, ठीक है। सो वी हैव योर अरावलीज फॉर्मेशन, वी हैव द वेस्टर्न घाट फॉर्मेशन, देन अंडर दिस पर्टिकुलर कडप्पा वी हैव सीन वी हैव वेरियस रिवर बेसिन्स और द वेरियस बेसिन्स गॉट फॉर्म, सो वेरियस बेसिन इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ बेसिन, वी हैव योर बिजावर बेसिन एंड वी हैव योर महाराष्ट्र बेसिन, नागपुर बेसिन, सो वी हैव द वेरियस बेसिन फॉर्मेशन, सो वी फाइंड वेरियस बेसिन फॉर्मेशन इंक्लूडिंग योर बिजावर बेसिन, वी हैव योर छत्तीसगढ़ बेसिन, वी हैव योर महाराष्ट्र बेसिन एंड अदर बेसिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमने क्या देखा था आपका, किस तरह से वेरियस बेसिन गॉट फॉर्म, बेसिन के बाद हम क्या कर रहे थे, इसके आगे गए थे एंड वी हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर फेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कडप्पा एंड विंध्या इन बिटवीन दिस बेसिन, जो ये बेसिन बने थे, इन बेसिन के नीचे जो सेडिमेंट्स था, ऑल द डिपॉजिट्स इन दिस पर्टिकुलर बेसिन गॉट अपलिफ्टेड एंड वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ टू मोर माउंटेन्स, सो दिस बेसिन गॉट अपलिफ्टेड, द सेडिमेंट ऑफ दिस बेसिन अपलिफ्टेड and we have the formation of two of the important mountains, including first one is your Satpura mountain and after Satpura we have seen the formation of Vindhyan mountains, okay, so Vindhyachal,
विंध्याचल माउंटेन्स. सो वी हैव अरावली, ईस्टर्न घाट, सतपुड़ा एंड विंध्याचल हियर. ओके, एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर फेज, इन ये आपका जो रॉक स्ट्रक्चर था यहाँ पे, इसके बाद वी हैव सीन द गोंडवाना फेज. एंड इन दिस पर्टिकुलर गोंडवाना फेज, यहाँ भी हम लोग कर चुके थे इसको भी. सो वॉट वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर गोंडवाना, आई एम गिविंग यू दैट पर्टिकुलर थिंग. ये सारा का सारा लास्ट लेक्चर में किया था. सो वी हैव जस्ट डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली. सो हियर वी हैव दिस पर्टिकुलर समथिंग लाइक दिस. सो वी हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर फेस ऑफ गोंडवाना देर इज अ एक्टिव रिफ्टिंग. तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक्टिव रिफ्टिंग हुआ. एंड बिकॉज ऑफ द एक्टिव रिफ्टिंग द अपलैंड गॉट सब्सिडाइज अंडर नीथ द योर लैंड सरफेस. तो अर्थ क्रस्ट के नीचे क्या रिफ्टिंग के कारण वो लैंड क्या हुआ, नीचे चले गए. एंड वी हैव द 3-4 रिफ्टिंग एरियाज इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर रीजन वेयर वी हैव द रिफ्टिंग अलॉन्ग रिफ्टिंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया वेयर द रिवर नर्मदा, बाद में वहाँ पर क्या आ गई रिवर नर्मदा एंड रिवर ताप्ती. सो वी हैव सीन द रिफ्टिंग अलॉन्ग द पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर कॉल्ड द नर्मदा रिवर बेसिन. हियर इन द दामोदर वी हैव सीन द रिफ्टिंग अगेन. इन दिस पर्टिकुलर एरिया वी हैव द महानदी रिफ्टिंग. हियर वी हैव योर गोदावरी रिफ्टिंग. एंड हियर वी हैव द सोन रिवर सर द सोन रिफ्टिंग. तो हमारे पास क्या होता है, ये सारे एक्टिव रिफ्टिंग के कारण क्या होता है, ऑल द वेजिटेशन विच आर ओवर दिस पर्टिकुलर एरिया गेट बीनीथ योर अर्थ क्रस्ट. एंड वहाँ जाने के कारण दे गेट कन्वर्टेड इन टू द कोल्स. सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग्स वेयर वी हैव योर वेरियस कोल फील्ड्स और द गोंडवाना फील्ड्स. ठीक है, सो वी हैव वेरियस कोल फील्ड्स फॉर्मेशन इन इंडिया. सो कोल फील्ड्स अलॉन्ग योर नर्मदा रिवर, अराउंड सोन रिवर, अराउंड गोदावरी, अराउंड महानदी एंड अराउंड दामोदर. सो वी हैव सीन द वेरियस कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया. ऑल्सो इन द दामोदर वी हैव सीन योर वेरियस कोल फील्ड इंक्लूडिंग बोकारो. वी हैव बोकारो कोल फील्ड, वी हैव धनबाद, वी हैव झरिया. सो आई हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दिस थिंग. ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर महानदी वी हैव योर इब वैली कोल फील्ड, वी हैव कोरबा कोल फील्ड एंड अदर्स. इन दिस पर्टिकुलर गोंडवाना रॉक्स, अगर दिस इज योर गोदावरी. इन दिस पर्टिकुलर गोदावरी वी हैव योर सिंगरौली, सिंगरैनी कोल फील्ड, सिंगरैनी. एंड इन दिस पर्टिकुलर सोन वी हैव योर सिंगरौली. ओके, एंड दिस पर्टिकुलर नर्मदा वी हैव योर रवा कोल फील्ड. सो ऑल दिस पर्टिकुलर और रिवा कोल फील्ड और रवा कोल फील्ड. सो इन दिस पर्टिकुलर रीजन ऑल द कोल फील्ड्स लाइज, जहाँ पर भी आपका गोंडवाना रिफ्टिंग था एंड वेयर वी हैव योर गोंडवाना रॉक्स. एंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया वॉट वी हैव सीन, वी हैव योर यूरेशियन प्लेट. तो यहाँ पर क्या था आपका, एक यूरेशियन प्लेट था. एंड इंडिया इज मूविंग from this particular region to your Eurasian plate, towards your Eurasian plate. And we have seen this particular thing, India is moving in the north and your eastern direction. तो यहाँ तक हमने last lecture में देखा था. And इसके बाद का आपका video थोड़ा सा corrupt हो गया था. So we'll now start from this point only. So we have talked till your Gondwana rocks. The next rock is your Deccan trap. So on India on its journey from this particular region to this particular region, here somewhere here around your Africa, if we'll draw a simple map of world, we'll see somewhere here is your Africa. Okay, पहले भी हमने देखा है. So यहाँ पर कहीं पर आपका अफ्रीका था. And this particular is the West Asia and here is Iran, here is your India at present. But India has started its journey from this particular and get settled here. ठीक है, तो इंडिया जब अपनी जर्नी यहाँ से यहाँ के कर रहा था, so somewhere here lies a particular spot called, this particular is your reunion hot spot. So this is the your reunion hot spot. And hot spots are unlike this particular region called your volcanoes. So ये आपके volcanoes नहीं है, hot spots are the region called is also called as the mantle plume. यहाँ से क्या होता है, एक particular अर्थ पे एक location है जहाँ से continuously आपके लावा erupt होते हैं. ठीक है, continuously वहाँ से लावा आते जाएंगे बाहर, unlike your volcanoes जो कि क्या होता है, एक sudden वहाँ पर eruption होता है और वहाँ पर फिर क्या होता है, बाद में रुक जाता है. सो यहाँ पर क्या होता है, continuously आपका लावा eruption देखने को मिलेगा. सो ऑन दिस जर्नी फ्रॉम हियर समवेयर हियर in this particular region, so this particular is your reunion hotspot. So this is your reunion hotspot. And India is moving from this particular plate. ठीक है, तो Indian plates जो था वो पूरा का पूरा इस तरह से move कर रहा था. So it took the journey like this. So some part of India, ये जो आपका India plate है, so some ये वाला जो part है India का, this particular line, this particular point, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हो रहा है, ये इस रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गया. ठीक है, सो समथिंग लाइक दिस.
इफ यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग, आई एम टेकिंग ओनली दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, तो सी इज पर्टिकुलरली दिस पर्टिकुलर, सपोज दिस इज द दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ से आपका लावा हो रहा है, एंड दिस इज द योर इंडियन प्लेट, सो दिस वन इज योर इंडियन प्लेट, एंड इंडियन प्लेट इज मूविंग ओवर दिस पर्टिकुलर लाइन वेयर द लावा इरप्शन टुक प्लेस. सो इसके बाद क्या हो रहा है, ये धीरे से आगे जाएगा, एंड वंस इट गो फ्रंट, सो कुछ इस तरह से आ जाएगा, एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी विल सी द लावा इरप्शन. सो यहाँ से आपका क्या हो रहा है, लावा इरप्टेड ओवर दिस पर्टिकुलर प्लेट, एंड फिर अगेन आफ्टर अ टाइम दिस पर्टिकुलर प्लेट विल मूव फर्दर, आपका ये प्लेट और आगे जाएगा. सो दिस पॉइंट कम्स हियर, सो वी विल सी इन दिस पर्टिकुलर रीजन वी हैव इरप्शन वंस, एक बार हो चुका था पहले, नाउ बिकॉज ऑफ द इरप्शन इट विल जनरेट अ पर्टिकुलर स्लोप, तो ऐसा कुछ स्लोप सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, एंड देन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी विल सी द इरप्शन हियर, ऑल ओवर हियर, एंड ऑन दिस पर्टिकुलर रीजन वी विल सी द इरप्शन सेकेंड टाइम. सो वी हैव हियर इरप्शन टू टाइम्स, फर्स्ट टाइम वहाँ से हुआ था, सेकेंड टाइम उसके ऊपर आकर इरप्शन हुआ, एंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन वी विल सी द इरप्शन फॉर द फर्स्ट टाइम. नाउ इन दिस पर्टिकुलर रीजन द प्लेट गेट फर्दर मूव्ड हियर, फिर अगेन क्या होगा, इरप्शन विल टुक प्लेस हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, हियर वी विल सी द इरप्शन फॉर द सेकेंड टाइम, एंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन दोज लावा विल accumulate for the third time. So here we'll see the eruption for the first time, here we'll see the second time, and in this particular we'll see the eruption for third time. So if we look up into this particular, after it gets solidified, jab ye sukh jayega, thanda ho jayega, it get cool, so we'll get something like this structure which is the shape of your ladder. So ye kya hai aapka complete ek ladder ke shape mein kya hoga, pura ka pura lava get beneath the land surface. So in this particular manner, so this particular thing is called as your step sized, first is your step sized. Number two, it is also called as your trap, because in the, under this particular trap lava get accumulated. So ये क्या है, आपका एक trap है, under that particular trap we have your lava, and this particular thing in totality called as Deccan trap. So we have the formation of Deccan trap because in this particular, and this particular Deccan trap is spread over this particular region of your Maharashtra. So सबसे important आपका महाराष्ट्र, also in Gujarat we have your Kathiawad, so in the Kathiawad, also spread in the Chhattisgarh around your Maikal range, so in also in your Chhattisgarh, we'll also see this particular Deccan lava spread over your Telangana plateau, we'll also see in the upper part of Karnataka we have the spread of this particular lava, so we'll also find this lava in your Karnataka or Karnataka. ओके, सो कर्नाटक, महाराष्ट्र, काठियावाड़, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, काठियावाड़ इज अ पार्ट ऑफ योर दैट पर्टिकुलरली योर गुजरात, एंड वील सी सम ऑफ दिस पर्टिकुलर लावास ऑल्सो इन द बालाघाट रीजन ऑफ योर मध्य प्रदेश, सो ऑल्सो फाइंड इन योर मध्य प्रदेश रीजन. सो दिस आर द स्प्रेड ऑफ योर डेकन ट्रैप. सो आपका क्या हुआ, डेकन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ यहाँ से. सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट हियर समवेयर इंडिया इज इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जब आपका जर्नी यहाँ से यहाँ हो रहा है, सो वी हैव योर दिस पर्टिकुलर इंडिया, वेयर दिस रीजन इज योर डेकन ट्रैप. सो ये आपका क्या है, पूरा का पूरा, सो इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेकन ट्रैप. अगेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेकन ट्रैप, वी हैव ऑल्सो सीन, आई गेस वी हैव सीन द कोस्टल फॉर्मेशन. सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन वी हैव ऑल्सो सीन द कोस्टल फॉर्मेशन, हाउ द वेरियस कोस्ट ऑफ इंडिया गेट फॉर्म्ड. ठीक है, तो आपने इसके बाद हमने क्या देखा था कि किस तरह से यहाँ पर रिफ्टिंग के बाद ये पर्टिकुलर रीजन पे क्या हुआ, ये पर्टिकुलर लैंड ब्रोकन अप एंड गेट सब्सिडाइज बीनीथ द लैंड. सो क्या हो रहा था, ये वाला पार्ट में आपका अगेन देर इज अ रिफ्टिंग, अगेन देर इज अ ट्राई जंक्शन, जो ये आपका ये जो ट्राई जंक्शन ये एक्टिव हुआ, और उसके कारण ये वाला जो पार्ट है इट गेट ब्रोकन अप. तो ये कैसा टूट गया था, कुछ इस तरह से टूट रहा था. ओके, वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर थिंग. सो दिस इंडिया एंड दिस पार्ट ऑफ इंडिया, ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट था, इट गेट बीनीथ योर वाटर. सो ये वाला पार्ट जो है ये पूरा का पूरा क्या हो रहा था, वाटर पे चला गया, एंड ऑल्सो सम पार्ट हियर, सम पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन. सो ये भी क्या है, कंप्लीटली वाटर के नीचे चला गया. ठीक है, सो विल हैव समथिंग लाइक दिस, हियर ऑल्सो इट गेट बीनीथ योर ओशियन वाटर, एंड वंस द लैंड गेट बीनीथ योर ओशियन वाटर विथ ऑल द वेजिटेशन दैट विल कन्वर्टेड इन टू द वेरियस ऑयल फील्ड. सो ये पूरा का पूरा रीजन इंडिया में क्या है, ऑयल फील्ड्स का रीजन यहाँ पर डेवलप हुआ. सो हियर इन गुजरात वी हैव द वेरियस ऑयल फील्ड इंक्लूडिंग योर जामनगर. सो वी हैव इन दिस पर्टिकुलर रीजन बिकॉज ऑफ मरीन ट्रांसग्रेशन, एज द वेजिटेशन गोज बीनीथ योर सी वाटर, सो देयर टुक प्लेस योर मरीन ट्रांसग्रेशन. ठीक है, आपका क्या हो रहा है, मरीन ट्रांसग्रेशन, एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मरीन ट्रांसग्रेशन वी हैव वेरियस ऑयल फील्ड्स. सो बिकॉज ऑफ दिस वी हैव ऑयल फील्ड्स,
एंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन वील हैव द वेरियस ऑयल फील्ड्स इंक्लूडिंग द वन इन दिस पर्टिकुलर गुजरात वी हैव द जामनगर इन गुजरात वी हैव योर जामनगर दिस इज द यूरेशिया सो इन गुजरात वी हैव जामनगर ऑयल फील्ड वी हैव अंकलेश्वर वी हैव मेहसाना ओके एंड देन इन योर बॉम्बे वी हैव द बॉम्बे हाई द लार्जेस्ट ऑफ द मॉल बॉम्बे हाई मुंबई हाई then in this particular kerala region we don't have the oil fields but special features of this particular kerala coast jo kerala ka coast hai there we will find the monazite sand in kerala we will find the kerala please remember this particular sand in kerala we will find the monazite sand and over this particular sand ye monazite jo sand hai isme hi we will find the thorium so india have the thorium reserves in your kerala over this monazite sand and that thorium is very important for your our nuclear program so hamara jo nuclear program the third level hai usme hum kya hai thorium will be used as a fuel so we have the jamnagar ankleshwar bombay high will find thorium in this particular kerala region and here in your andhra pradesh region we will have kg basin krishna godavari basin so we will have here oil also and in this particular region of assam and nearby guwahati region assam and guwahati we will have the various oil field including digboi nahar katia etc so we will have all this oil fields of india if you understand this particular thing ki kis tarah se kis cheez ka formation hua you will get to know the much or many information regarding the india wo fir aapko baad mein minerals wagera padhna hi nahi padega you will easily mark the minerals aapko khud samajh jayega ki kaun sa rocks kahan pe hai which rocks is found in this particular region and wahan par kaun sa minerals milna chahiye for example if you see that particular dharwad you will easily tell me ki yahan par kya ho raha hai aapka you will have the irons or the iron ores formation also you will say here aapka sara ka sara kya milega gold milega in this particular region of vindhya or vindhyas mountain you will say there lies your particularly called diamond minerals in this particular gondwana we will have all the coal formation here in the deccan trap we'll find that bauxite and other things in this particular tertiary rock I will brief later aapka tertiary rock ko theek hai so this particular rock which if the particular rock get beneath the land ke niche ja raha hai that will convert into your gondwana rocks and if the particular land goes beneath the water that will convert into the tertiary rock and this particular tertiary rock we will have the oils so ab tak ye question pucha nahi gaya ki over which rock we will find the oils so you can say it is your tertiary rocks theek hai to aapka ye pura ka pura formation hua and on this particular region because of this activity isse kya ho raha hai suppose this is a land ye aapka kya tha ek land hai ye suppose this is one particular land और इसके बाद क्या हो रहा है इसके साथ का जो पार्ट था वो टूटकर नीचे धस गया ठीक है ये वाला जो पार्ट है ये नीचे क्या हो गया नीचे धस गया तो समथिंग लाइक दिस इफ दिस इज द पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड ये पूरा का पूरा एक लैंड है एंड विद टाइम ये वाला पार्ट अगर लैंड का यहाँ से टूट गया और ये नीचे चला जाए ठीक है ये क्या हो गया टूट के नीचे चला जाए सपोज इट गोज लाइक दिस एंड इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन दिस थिंग लुक लाइक्स अ माउंटेन बट इट इज़ नॉट अ माउंटेन एज सच वो आपको एक माउंटेन की तरह दिखेगा एंड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड एज योर ब्लॉक माउंटेन सो दीज आर योर ब्लॉक माउंटेन्स ठीक है सो ये जो आपका माउंटेन इसको हम क्या बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन एंड बिकॉज ऑफ दिस सबसिस्टेंस यहाँ पर जो सबमर्ज हो गया बिकॉज ऑफ दिस ओनली वेस्टर्न कोस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर सबमर्जेंस कोस्ट तो ये जो कोस्ट जो यहाँ पर नीचे चला गया बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन हियर इट लुक लाइक सम माउंटेन विच इज कॉल्ड एज योर वेस्टर्न घाट सो आपका क्या होगा अगला माउंटेन विल फॉर्म इज योर वेस्टर्न घाट्स okay so we will have the formation of this particular western ghats and after that from this particular western ghats numerous river originate flow in this particular direction and also here so yahan se jo rivers aayenge river will have some of the sediments with them they will accumulate that sediments and this particular region develop as a coastal plain of india the western coastal plain of india and in this particular region we will have the eastern coastal plains of india so we will have the formation of two of the plains called प्लेन्स एरिया है यहाँ पर दो बनेगा वन इज योर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ऑल्सो वील हैव द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ओके सो वी हैव द प्लेन्स फॉर्मेशन आफ्टर दिस पर्टिकुलर इवेंट आफ्टर दिस द फॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्लेन्स एंड ऑल दिस पर्टिकुलर प्लेट मूव समवेयर हियर ओके सो नाउ वील लुक अप इन टू द दिस पर्टिकुलर टर्शरी फेज इन एज सच सो हम वहाँ पर देखेंगे कि आपका जब प्लेट यहाँ से और आगे मूव हो रहा था तो वो किस तरह से मूव हुआ है एंड वॉट ऑल इवेंट टुक प्लेस देयर सो आई एम जस्ट रबिंग दिस पर्टिकुलर थिंग नाउ विल अगेन सी सपोज दिस इज द यूरेशियन प्लेट दिस इज योर यूरेशियन प्लेट एंड हियर वी हैव इंडियन प्लेट नाउ इंडियन प्लेट कमिंग हियर
in this particular region. So during this tertiary era, we'll find Indian plate somewhere here. Indian plate is somewhere here. Okay. So if you see this particular region, so we have this particular plate called Eurasian plate, and this the below one is your Indian plate, and in between them, ye dono ke beech mein kya tha, there is a particular sea, that sea is called as your Tethys Sea. So here we have Tethys Sea. We have Tethys Sea. Please remember three things: Eurasian plate, Indian plate, and your Tethys Sea. So this particular plate, जो इंडियन प्लेट है वो क्या हो रहा है, यूरोपियन प्लेट की ओर मूव कर रहा था. दिस इज योर यूरोपियन प्लेट, दिस इज योर इंडियन प्लेट. सो इंडियन प्लेट इज मूविंग फ्रॉम ओवर दिस पर्टिकुलर रीजन टुवर्ड्स योर यूरेशियन प्लेट. तो इंडियन प्लेट आपका यूरेशियन प्लेट की ओर जा रहा है फ्रॉम हियर टू हियर. एंड ऑन दिस ऑन इट्स जर्नी फ्रॉम यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट का जर्नी जो यूरेशियन प्लेट की तरफ जब ये आगे की ओर मूव कर रहा है, सो इन बिटवीन वी हैव द Tethys Sea. सो इफ आई ड्रॉ अ टॉप व्यू प्रोजेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर, विल फाइंड समथिंग लाइक दिस. दिस इज योर यूरेशियन प्लेट, this particular is the Indian plate, and between them agar ye wala region ko dekhenge to we have your ocean bottom. This is the bottom of the particular ocean called your or the particular sea called Tethys Sea. So this is the ocean bottom. theek hai, to ye bhi kya aapka land mass hai. Now if this particular plate jo aapka Indian plate hai wo agar aapka aage ki or aayega, suppose it will come in this manner, Indian plate come here, so what we will have, दिस पर्टिकुलर लैंड जो ये नीचे का जो ओशियन बॉटम का लैंड है, दैट विल कर्ल एंड फरो. सो आपका ये क्या है, ये इनिशियली इस तरह से था, बट बिकॉज ऑफ द इंटेंस प्रेशर ये जब मूव करेगा इसके ऊपर, तो यहाँ पर प्रेशर होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा. सो वील हैव समथिंग लाइक दिस. दिस इज योर यूरेशियन प्लेट, समवेयर हियर वी विल हैव योर इंडियन प्लेट, एंड इन बिटवीन वी विल सी सम ऑफ द फरोज लाइक दिस. आपका ये पूरा का पूरा यहाँ प्रेशर के कारण वहाँ पर पूरा का पूरा कर्ल एंड फरो. सो अगेन दिस पर्टिकुलर रीजन, once this type of things is started happening, so after this क्या होने वाला है, in the second half this particular Indian plate will come more closer to your Eurasian plate. So we'll have something like this. This is the Eurasian plate, and somewhere here like this, as the Indian plate is, this particular Indian plate is heavier than this European plate, it get beneath the European plate like this particular, or Eurasian plate like this particular. And all this thing, ये जो भी यहाँ पर था, all the things present here in this particular region, ye sare ke sare that get accumulated in this particular region, and because of such accumulation we have the formation of one of the mountains. ye sare ke sare it look like the mountain. so this particular type of mountain is called as your fold mountain. jab aise mountain bante hain to usko kya bolte hain, fold mountain. okay, so because of this such type of interaction between the Indian and Eurasian plate, jahan par wo uske paas move kar rahe hain, so we have the formation of, because initially if you see, though there is a pressure, but the pressure is not as intense, bahut zyada hard pressure nahi hai, but there is a pressure. so because aapka abhi bhi distance bahut zyada hai, so we have the formation of this particular chain of mountain called as your Trans Himalayan mountain, and not all the part of Trans Himalayas, Karakoram and all not, aapka Zanskar and Ladakh range. so we will have your Trans Himalayas. so this is your Trans Himalayan mountains. okay, so this is the Trans Himalayan mountain. now again this particular land comes more closer, so aapka kya hoga, ye jo particularly India hai ye iske paas aur jayega. again because of that closeness, fir kya hoga, iske upar bhi again this particular things get stricken here. to ye cheeze yahan par join hogi, conjoin hone lagengi, and because of this particular thing again, as it moves further towards your Eurasian plate, there is a, again because of the intense pressure we will find again a second series of mountains. तो यहाँ पर भी क्या है, प्रेशर है, दो देयर इज अ प्रेशर, बट वो थोड़ा सा पिछले वाले से ज़्यादा है, बट नॉट एक्सक्लूसिव, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर नहीं है. सो वी विल अगेन फाइंड अ सीरीज ऑफ माउंटेन कॉल्ड एज योर, दिस पर्टिकुलर माउंटेन कॉल्ड एज योर ग्रेटर हिमालयाज. सो ग्रेटर हिमालयाज वील हैव द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर हिमालयाज. ओके, सो वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस हिमालयाज, देन वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ योर ग्रेटर हिमालयाज, एंड अगेन दिस पर्टिकुलर इंडियन प्लेट देन अगेन कम्स हियर. सो इंडियन प्लेट अभी भी और आगे मूव कर रहा है, सो अगेन वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ, बट हियर सी द डिस्टेंस, इफ यू सी द डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, सो वी हैव द वेरी लेस डिस्टेंस, यहाँ पर बहुत ही कम है. सो बिकॉज ऑफ दिस द प्रेशर इज वेरी इंटेंस. तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, एंड बिकॉज ऑफ सच इंटेंस प्रेशर दिस पर्टिकुलर माउंटेन रेंज गेट ब्रोकन अप इन टू द वेरियस पार्ट्स. तो आपका पूरा का पूरा माउंटेन चेन है, बिकॉज ऑफ द इंटेंस प्रेशर इट गेट ब्रोकन इन टू मेनी स्मॉलर पार्ट्स, एंड वी विल फाइंड समथिंग लाइक दिस. सो वी हैव दिस पर्टिकुलर एंड दिस पर्टिकुलर थिंग. सो
रेदर देन हैविंग अ कंटिन्यूस चेन, देखिए यहाँ पर क्या है आपका चेन इज कंटिन्यूस बट वी हियर वी हैव द स्मॉलेस्ट ऑफ देम ऑल, तो आपका क्या हो रहा है ये छोटे छोटे ब्रोकन हाफ्स में बनेगा एंड दिस पर्टिकुलर थिंग द फर्स्ट वन इज योर कॉल्ड इज योर पीर पंजाल हिल्स पीर पंजाल, द सेकेंड वन दिस वन इज योर धौलाधार, हियर वी हैव योर नाग तिब्बा, अगेन आगे हमारा महाभारत रेंज एंड ऑल वी विल फाइंड, सो वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग एंड दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ रेंजेस विच इंक्लूड पीर पंजाल धौलाधार नाग तिब्बा एंड महाभारत रेंज इज कॉल्ड एज योर सेकेंड मिडिल हिमालयाज, ठीक है, सो इसको हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज योर मिडिल हिमालयाज, और सो वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस हिमालयस ग्रेटर हिमालयस एंड द मिडिल हिमालयस, बट देन इफ यू सी दिस पर्टिकुलर हिमालयस देन वी डोंट हैव द तेथिस सी लेफ्ट, तो तेथिस सी ऑल द तेथिस सी गेट कंज्यूम इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थ्री हिमालयस ट्रांस हिमालयस ग्रेटर हिमालयस एंड मिडिल हिमालयस, सो वी कैन से दिस पर्टिकुलर हिमालयस फॉर्म जो दिया आपका टर्शरी हिमालयस टर्शरी फेज में अपलिफ्ट हुआ, सो दिस पर्टिकुलर हिमालयस ऑल थ्री ट्रांस हिमालयस ग्रेटर हिमालयस एंड द मिडिल हिमालयस, सो दिस थ्री हिमालयस इज फॉर्म्ड एंड रब दिस पर्टिकुलर पार्ट, सो पर्टिकुलरली विल सी दिस पर्टिकुलर हिमालयस योर ट्रांस हिमालयस योर ग्रेटर हिमालयस एंड द मिडिल हिमालयस आर ऑफ योर पर्टिकुलरली मरीन ओरिजिन, दे आर ऑफ योर मरीन ओरिजिन बिकॉज द सेडिमेंट्स ऑफ योर मरीन सेडिमेंट्स जो आपका तेथिस सी का सेडिमेंट था द मरीन सेडिमेंट गॉट अपलिफ्टेड एंड वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ दिस माउंटेन्स, सो दिस माउंटेन्स हैज द सेडिमेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मरीन रीजन दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज देयर मरीन ओरिजिन फोल्ड माउंटेन्स और ऑल्सो दिस थ्री माउंटेन्स, नाउ अब अगर आप इसको देखते हैं सो वी हैव ऑल द थिंग्स कंज्यूम्ड हियर, सो देन अगर ये वाला पार्ट देखा जाए इंडिया का सपोज दिस इज द इंडियन प्लेट अगेन आई एम ड्रॉइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, सो दिस बिकम अ काइंड ऑफ डिप्रेशन लाइक एरिया, सपोज दिस इज द फर्स्ट दिस इज द माउंटेन्स वी हैव द सेकेंड माउंटेन रेंज एंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन इट बिकम समथिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ इफ आई ड्रॉ इन द प्लेट देन यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस, सो हियर वी हैव ऑल द माउंटेन्स, ओके दिस पर्टिकुलर रीजन वी हैव द माउंटेन्स एंड दिस पर्टिकुलर रीजन लुक लाइक अ डिप्रेशन, यहाँ पर ये क्या होगा पर्टिकुलरली दिस इज द माउंटेन एरिया सपोज दिस इज द माउंटेन सो लाइक दिस, तो सो दिस इज द माउंटेन एंड हियर वी हैव द डिप्रेशन, ठीक है, तो ये माउंटेन बन गया और हियर वी हैव द डिप्रेशन ये वाला, सो इन दिस पर्टिकुलर डिप्रेशन बिकॉज इस माउंटेन से नाउ वेरियस रिवर विल ओरिजिनेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर माउंटेन एंड इट विल फ्लो लाइक दिस, तो यहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलेंगी एंड इट विल फ्लो इन दिस पर्टिकुलर डिप्रेशन, क्योंकि वो ढाल है तो ढाल की तरफ जाएंगे फॉलोइंग इट्स स्लोप एंड इट विल फ्लो इन दिस पर्टिकुलर डिप्रेशन एंड ऑन इट्स वे टू दैट पर्टिकुलर डिप्रेशन ये जो बना हुआ है दे विल एक्यूमुलेट ऑल द सेडिमेंट्स बिकॉज